तो दोस्तों आप देख सकते हैं ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नहाने में, होती है ना दोस्तों, आखिर इंसान कब तक ना नहाए ठंड से बचने के लिए। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्नान के निम्न प्रकार, जिसे आप खुशी खुशी अपना सकते हैं और जिससे आपका स्नान माना जाएगा। तो नंबर एक, ककड़ी स्नान। इस स्नान में आपको क्या करना है, जल की कुछ बूंदे लेकर अपने मुंह पे छिड़क लेना है, इससे आपका स्नान माना जाएगा। नंबर दो, नल नमस्कार स्नान। इस स्नान में आपको दूर से ही नल को नमस्कार नमस्ते प्रणाम करना है, इससे आपका स्नान माना जाएगा। नंबर तीन, जल स्मरण स्नान। ये सबसे उच्च कोटि का स्नान है। इस स्नान में आपको रजाई में बैठे बैठे ही जल का ध्यान कर लेना है, इससे आपका स्नान माना जाएगा। नंबर चार, सबसे अंतिम और प्रमुख स्नान, स्पर्शानुभूति स्नान। इस स्नान में यदि आप नहाए हुए व्यक्ति को स्पर्श करके ये बोल दे तुम स्नानम मम स्नानम, तो इससे आपका स्नान माना जाएगा। हैप्पी विंटर।